Hello learners, welcome to this channel. In this video, today we are going to start a very first chapter of the class 7th NCERT science, that is nutrition in plants. Basically, I am going to explain you each line of this chapter. So without wasting our time, let's start our first chapter, that is nutrition in plants. So in this chapter, we will learn about the nutrition in plants, how plants get their nutrition, and how plants are making their foods, and what are the processes by which plants get their food. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. इन क्लास 6 जो पिछली क्लास थी उसमें हमने सीखा था, यू हैव लर्न दैट फूड इज असेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्लास 6 में हमने सीखा था कि जो फूड है वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही असेंशियल चीज़ है. मतलब बिना फूड के इंसान नहीं जी सकता है, यह हमने देखी थी. यू हैव ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द फूड. हमने ये भी देखा था कि जो विटामिन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट है और मिनरल्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट मीन्स कि फूड इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना है. फूड किससे मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है फूड में, प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है. इन्हीं सब से मिलकर फूड मिलकर बना हुआ होता है. और दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ये न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है. इसीलिए हम जो खाना खाते हैं उसमें इन्हीं सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. यही सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से हमारी बॉडी ग्रो कर पाती है, हमारा डेवलपमेंट हो पाता है और ये सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. हमें पता है कि सारे के सारे जो भी इंसान या जो भी जानवर या जो भी प्लांट्स जो इस धरती पर जिंदा हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सबको खाने की ज़रूरत है फॉर देयर सर्वाइवल, उनको जिंदा रहने के लिए. प्लांट्स कैन सिंथेसिस फूड फॉर देम सेल्फ. प्लांट्स क्या करते हैं? अपना खाना खुद से सिंथेसिस कर लेते हैं, मतलब खुद से अपना खाना बना लेते हैं. प्लांट कैन सिंथेसिस फूड फॉर देम सेल्फ. वो अपने लिए खाना खुद से बना लेते हैं. बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. और जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं. मतलब इस लाइन में ये कहना चाह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, बट एनिमल्स और ह्यूमंस अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स टू ईट द प्लांट्स. तो जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना फिर कहाँ से लाते हैं? तो दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. तो हम लोग अपना खाना, ह्यूमंस जो अपना खाना है वो अदर प्लांट्स से और एनिमल्स से खाने को लेते हैं. मतलब जो अदर एनिमल्स हैं हम लोग उस पर डिपेंड हैं अपने खाने के लिए. दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तो इससे ये पता चलता है ह्यूमंस और एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. मतलब एक दूसरे पर निर्भर है अपने खाने को लेकर. मतलब इंसान जानवर को भी खाता है और प्लांट से भी खाने को लेता है, और जो जानवर होता है वो प्लांट से खाना खाता है, मतलब प्लांट से खाने को लेता है अपने. तो एक दूसरे के आपस में सभी के सभी डिपेंडेंट हैं एक दूसरे को. तो अब इसमें पहला टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स अपना खाना कैसे लेता है, वो मोड क्या क्या है, ऐसे मोड हैं जिससे अपना खाने को बनाता है प्लांट. तो प्लांट आर दी ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. तो प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एकमात्र एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से बनाता है बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स और वाटर की मदद से जो अपना खाना खुद से बनाता है, तो प्लांट एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है. द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग. और जो उसको खाना बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा पदार्थ जिससे खाना मिलकर बनाएगा, वो सारा का सारा सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है. द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, आर प्रोवाइडेड एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस. द न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड बॉडीज. जो भी न्यूट्रिशंस उसको अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, टू ग्रो अपने मतलब ग्रो करने के लिए अपनी बॉडी को, और टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, आर प्रोवाइड एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाई ऑर्गेन एंड यूटिलाइज एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाई द बॉडी. तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ द फूड एंड यूटिलाइजेशन बाई द बॉडी. हमने अभी देखा था न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन दो अलग अलग शब्द हैं. मतलब न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड विच आर यूजफुल फॉर द बॉडी,
बट न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इनसाइड द बॉडी एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. मतलब न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें खाना को इनसाइड लिया जाता है और उसका सिंथेसिस यानी कि उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है. मतलब जो हमने खाना खाया है उसको किसी ना किसी काम में यूज़ करने के लिए एनर्जी के फॉर्म में उसको लिया जाता है, उसी को यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी बोलते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फॉर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो क्या होता है जिसमें प्लांट्स और जो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद से मिलकर बनाते हैं, मतलब जो अपने आप पर डिपेंड होते हैं अपना खाना बनाने के लिए, उनको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. ऑटो का मतलब यहाँ पर सेल्फ है और ट्रॉपिक्स का मतलब होता है नरिशमेंट. जो अपना खुद से नरिशमेंट करते हैं, खुद से अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को यहाँ पर बोला गया है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. देयरफॉर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप. अब हमने देखा था कि प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक्स हैं, यानी कि वो अपना खाना के बनाने के लिए खुद पर ही डिपेंडेंट है, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट है, वो अपना सेल्फ नरिशमेंट करते हैं. दैट इज़ वाई द प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स. एनिमल्स एंड मोस्ट ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. और कुछ एनिमल्स और कुछ ह्यूमंस, अभी हमने देखा था ना एनिमल्स अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर जब एनिमल्स हैं अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स पर और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. हेट्रो का मीन्स अदर और ट्रॉपोस का मीन्स नरिशमेंट. जो अपने नरिशमेंट के लिए अदर पर डिपेंड हो, मतलब किसी और पर डिपेंड करें, तो उनको हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं. और ह्यूमन का जो प्लांट ह्यूमन का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड. अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो खाना बना रहा है प्लांट वो किस तरीके से बना रहा है, इसके पास क्या ऐसा है मैकेनिज्म है जिससे खाना बना रहा है, ये ऐसी क्या फैक्ट्री लगी हुई है या ऐसा क्या है जिससे ये खाना बना रहा है. तो वेदर द फूड इज़ मेड इन ऑल प्लांट्स ऑफ द बॉडी और ओनली इन वन प्लांट्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो खाना बनाने की प्रोसेस है क्या वो पूरा प्लांट की सारी के सारे पार्ट्स मिलकर बनाते हैं या कोई एक स्पेशल पार्ट है जिससे ये खाना बना रहा है. ठीक है, हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग. और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो अब खाना बनाने के लिए कच्चा पदार्थ यानी कि जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो सराउंडिंग से ये कैसे लेता है, प्लांट सराउंडिंग से रॉ मटेरियल को कैसे लेता है और ये कैसे फैक्ट्री तक पहुंचाता है जहाँ खाना बनता है वहाँ तक कैसे इस प्रोसेस को, मतलब ये जो न्यूट्रिशन लिया जो रॉ मटेरियल लिया है सराउंडिंग से उसको फूड फैक्ट्री तक कैसे पहुंचाता है, ये सारी की सारी प्रोसेस कैसे होती है, यही सब हमके बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं कि आखिर में खुद से खाना बना रहा है जो प्लांट पर ऐसी क्या क्या प्रोसेसेस हैं जिसकी मदद से ये सब कुछ हो पा रहा है. तो वो सब कुछ अब हम लोग इसमें सीखेंगे आगे. तो यहाँ पे दे रखा है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट. तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन द प्लांट्स. तो जो प्लांट्स खाना बनाते हैं ना, जो प्लांट्स किस तरीके से खाना बनाते हैं वो सारी की सारी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला गया है. अब ये फोटोसिंथेसिस क्यों बोला गया है ये हम लोग लास्ट तक जाते जाते पूरा समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. लीव्स आर दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स. जो प्लांट के जो लीव्स होती हैं जो पत्तियाँ होती हैं उन्हीं को फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं. Therefore, all the raw materials is reached to the leaf. तो इसीलिए सारा का जैसे हम लोग देखते हैं कि कहीं भी अगर कहीं भी फैक्ट्री है तो उसमें अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन होना है तो सबसे पहले जो कच्चा माल होगा वो वहाँ फैक्ट्री में पहुँचाया जाएगा. फिर वहाँ अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेसेस होंगी जिसकी मदद से जो फैक्ट्री होगी वो एक आउटपुट जनरेट करेगी. तो ऐसे यहाँ पर है जो लीव है वो लीव को सारा का सारा रॉ मटेरियल पहुँचाया जाता है. कहाँ से पहुँचाया जाता है वो सब कुछ अभी हम लोग देखने वाले हैं. पर जो लीव है वो एक फैक्ट्री की तरह काम करती है जहाँ पर खाना बनाया जाएगा. अब जब खाना बनाना है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल भी पहुँचाना है. तो रॉ मटेरियल किस तरीके से वहाँ तक पहुँचेगा वो सब कुछ अभी हम लोग देखते हैं. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व बाई द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. ठीक है, तो हमें पता है कि खाना बनाने के लिए वाटर और मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी. तो जो कि हमें पता है जमीन में होता है, वाटर जमीन में है, मिनरल्स भी जमीन में है, तो वो जमीन में जो है उनको लीव्स तक कैसे पहुँचाना है वो सब कुछ इसमें करना होता है. वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम सॉइल टू लीव्स. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ इन थ्रू टिनी पोर्ट्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. अभी हमने देखा था कि मिनरल्स और वाटर को सॉइल से लीव्स तक पहुंचाया गया था, ट्रांसपोर्ट किया गया था. अब हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो भी पत्तियों को चाहिए होती है अपना खाना बनाने के लिए. तो जो पत्तियों में टिनी पोर्स होते हैं, छेद होते हैं जो कि पत्तियों की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं पोर्स और इन्हीं छेदों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स के अंदर चली जाती है जिसकी मदद से खाना बन पाता है. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. और इन्हीं पोर्स को हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं जिसकी मदद से खाना बनता है.
जिसकी मदद से क्या हो रहा है, जो सराउंडिंग की कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जा पा रही है, लीव्स के अंदर जा पा रही है। इसी प्रोसेस को हम लोग जो ये जो पोर्स होते हैं इन्हीं को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। क्या हुआ है यहाँ तक, अभी तक क्या हुआ, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द लीव्स बाय द वेसल्स, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक अ पाइप थ्रू आउट द रूट्स द स्टेम्स। तो ये जो पानी और मिनरल्स को जो जमीन में प्रेजेंट है उनको लीव्स तक पहुँचाया जा रहा है, वो एक पाइप की तरह पहुँचाया जा रहा है। पाइप मतलब थ्रू आउट द पाइप द रूट, मतलब रूट से लेकर लीव्स तक जो पानी को पहुँचाया जा रहा है उसी को हम लोग वेसल्स वेसल्स बोलते हैं, जिस वेसल्स की हेल्प से पानी और मिनरल्स को लीव्स तक पहुँचाया जाता है। द लीव्स एंड द ब्रांच ये उसी में है, दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर विच न्यूट्रिशन इज ड्यूस टू द फॉर्म लीव। एक कंटिन्यूस पाथ को फॉलो करता हुआ जाता है, मतलब पानी और मिनरल्स को लीव्स तक पहुँचाना तो एक कंटिन्यूस पाथ फॉलो होता है जो कि एक पाइपलाइन की तरह होता है, और दे आर कॉल्ड वेसल्स, और जिसकी मदद से ये पानी और मिनरल्स लीव्स तक पहुँच रहे हैं इन्हीं को हम लोग वेसल्स बोलते हैं। हम याद रखना इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन क्लास 11th चैप्टर 11th। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम लोगों को चैप्टर 11th में मिलेगी। तो अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो प्लांट्स के सबसे एसेंशियल खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है जैसे कि पानी है और मिनरल्स हैं जो रूट्स में मतलब जो सॉइल में मिलते हैं उनको लीव्स तक पहुँचाने के लिए हमें एक पाइपलाइन की जरूरत पड़ती है, उस पाइपलाइन को हम लोग बोलते हैं वेसल्स। और सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्टोमेटा की, जो कि एक पोर्स होते हैं जो स्टोमेटा उस स्टोमेटा होते हैं वो सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं जिसकी मदद से खाना बन पाता है। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और लीव्स के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से लीव्स का कलर भी ग्रीन हो पाता है, तो उसी को हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स टू लीव कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, और क्लोरोफिल का काम क्या है, ये सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है, मतलब जो सन से एनर्जी मिल रही है वो सनलाइट एनर्जी को ये कैप्चर करता है। दिस एनर्जी इज टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स। अब देखो हम लोगों को मिल गया था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया था सराउंडिंग से, वाटर एंड मिनरल्स मिल गए थे हमें सॉइल से। अब अभी सबको सिंथेसाइज करने के लिए हमें एक चाहिए फोटो एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी, जो सूर्य की एनर्जी चाहिए खाने को सिंथेसाइज करने, ये जो रॉ मटेरियल्स है उसको सिंथेसाइज करने के लिए हमें जिस एनर्जी की जरूरत पड़ी वो है सनलाइट एनर्जी। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब इसका सिंथेसिस शुरू हो जाएगा, मतलब खाने का बनना शुरू हो जाएगा, प्रोसेस शुरू हो जाएगी, तो ये किसकी मदद से हो रही है, सन एनर्जी की मदद से हो रही है, यानी कि फोटो की एनर्जी की, मतलब जो सनलाइट की एनर्जी होती है उसको हम लोग फोटो एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड द फोटो सिंथेसिस, तो इसीलिए इस प्रोसेस को सिंथेसिस बोलते हैं, मतलब इस प्रोसेस में सनलाइट एनर्जी की इस्तेमाल हो रहा है, फोटो एनर्जी का यूज़ हो रहा है, दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड द फोटो सिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस। तो अभी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस, तो ये सारे के सारे बहुत ही जरूरी तत्व हैं एक फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस को होने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन दी अर्थ, और ये एक अनोखी प्रोसेस है जो अर्थ पर हमें देखने को मिलती है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाई द लीव एंड स्टोर इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, और ये जो सोलर एनर्जी कैप्चर की है लीव ने इज स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और यही खाने की तरह खाने की फॉर्म में प्लांट के अंदर स्टोर हो जाती है। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला एक स्रोत है, सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है सन, और सबसे अल्टीमेट तरीके से एनर्जी देता है, मतलब ना कभी इसकी ख़त्म होने वाली एनर्जी है जो हमेशा एनर्जी देता रहेगा। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर देखिए ना, जब अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और जब प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो जो ह्यूमंस प्लांट्स में डिपेंड हैं उनको भी खाना नहीं मिल पाएगा, तो ह्यूमन और प्लांट्स डिके हो जाएंगे, मतलब ख़त्म होने लगेंगे। तो ठीक है, इसमें देखते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड, अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो कोई भी खाना नहीं बनेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द फूड मेड बाय द प्लांट्स, अभी हमने देखा था डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे एक दूसरे पर डिपेंड हैं, मतलब सारे के सारे प्लांट्स पर ही डिपेंड हैं, तो अगर प्लांट अपना खाना नहीं बनाएगा तो सारे जो अदर और लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका क्या होगा, उन्हें खाना नहीं मिल पाएगा, तो फिर जिसकी वजह से मतलब सबके सब मरने लगेंगे। तो इसीलिए
फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है जो कि हो रही है बिसाइड्स और ऑक्सीजन विच इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक कि जो ऑर्गेन जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो भी प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ही बाहर निकालते हैं, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और फोटो और ऑक्सीजन को आउटसाइड करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लाइफ को इमेजिन करना एक इम्पॉसिबल है, मतलब लाइफ नहीं होगी कुल मिलाकर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन द इक्वेशन। जो प्रोसेस जो अभी हमने देखी थी प्रोसेस हुई थी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, तो उसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। जो अभी क्या देखा था हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और मिनरल्स को जब हमने सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में किया था सिंथेसाइज किया था, तो उससे क्या मिलकर बना, कार्बोहाइड्रेट मिला और ऑक्सीजन मिला। जो ऑक्सीजन होता है वो बाहर निकाल देता है प्लांट और कार्बोहाइड्रेट एज अ फॉर्म ऑफ फूड वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर लीफ का ये स्टोमेटा का डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे ये गार्ड सेल है और ये स्टोमेटा की ओपनिंग है जिसकी मदद से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है। ठीक है, ये एक लीफ है, लीफ के अंदर ये स्टोमेटा एक छोटा सा पोर होता है, बहुत ही छोटा सा पोर होता है, और ये गार्ड सेल्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करके रखते हैं स्टोमेटा को, यहीं को स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल ये अंदर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इस प्लांट की लीफ का कलर ग्रीन होता है। ये एक प्रोसेस को इस डायग्राम से दिखाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे इंटेक करते हुए दिखाया गया है, ये एरो लीफ की तरफ जा रहे हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ये इंटेक कर रहा है, और ये सोलर एनर्जी यानी कि फोटो एनर्जी को ये इंटेक कर रहा है, अंदर की तरफ ले रहा है, एरो बना हुआ है, और ऑक्सीजन को ये आउटसाइड बाहर की तरफ भेज रहा है। ये देखिए ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ये बाहर की तरफ आउटसाइड भेज रहा है, और क्लोरोफिल होते ही लीव्स में अभी हमने देखा था, और ये नीचे जो यहाँ पे ज़मीन में वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट हैं इनको ये ऊपर तक ले जा रहा है, यहाँ तक ऊपर तक जा रहे हैं ये वाटर एंड मिनरल्स, जिसकी मदद से पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पर हो पा रही है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, मतलब इज अ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, बाहर जा रही है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स दैट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो स्टार्च होता है प्रेजेंट होता है वही स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, वही फूड है खाने के लिए, मतलब जो खाने के लिए यूज करता है प्लांट वही एक फूड है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, मैं एक्टिविटी को स्किप करता हूँ, मतलब एक्टिविटी आप खुद से पढ़ के देखिए और समझ में आ जाएगा मतलब क्यों ज़रूरत पड़ रही है एक्टिविटी को देने की। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सिंथेसिस ऑफ फूड प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या क्या जरूरत पड़ती है और वो कैसे प्राप्त करता है खाने में वो देखते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हमने देखा था कि विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट एक्वायर द कार्बोहाइड्रेट आ रहा था प्लांट्स के पास। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड कार्बन। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज द अदर कंपोनेंट ऑफ द फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। और यही ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये अदर कंपोनेंट ऑफ फूड को सिंथेसाइज करने के काम भी आता है, जैसे कि प्रोटीन एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। प्रोटीन एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट और नाइट्रोजन को कहाँ से लेते हैं, मतलब कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि कहाँ से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं प्लांट्स। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एबंडेंस इन द गैसेस फॉर्म इन द एयर। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजियस जो नाइट्रोजन गैस होती है वो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है इन द अर्थ। हाउएवर प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन द फॉर्म। पर प्लांट इस फॉर्म में नाइट्रोजन गैस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। सॉइल हैज अ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन गैसेस इनटू अ सॉल्युबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। बट सॉइल के पास कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इस गैसियस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उसको सॉइल में रिलीज कर देता है। दीज आर ऑब्जर्व बाई द प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर। और जब ये नाइट्रोजन सॉइल में मिल जाती है तो यही ऑब्जर्व कर ली जाती है बाई द प्लांट विद द वाटर। जब प्लांट को ऑब्जर्व कर रहा होता है एंड वो प्लांट जब वाटर को ऑब्जर्व कर रहा होता है तो साथ में नाइट्रोजियस
को भी ऑब्जर्व कर लेता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन इन टू द सॉइल। हमने ये भी देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं सॉइल में विच इज रिच इन नाइट्रोजन, जो जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है, वो इसी वजह से करते हैं ताकि सॉइल को एक नाइट्रोजन मिल पाए और जिसकी मदद से नाइट्रोजन प्लांट्स तक पहुँच पाए जिससे वो अपना खाना को सिंथेसाइज कर पाए। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। इसी तरीके से प्लांट्स अपने नाइट्रोजन की मतलब नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाते हैं। प्लांट्स कैन ऑल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन, और प्लांट्स इसी मदद से प्रोटीन और विटामिन का भी सिंथेसाइज कर पाते हैं। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब प्लांट्स के क्या क्या अदर मोड हैं, जैसे अभी हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद से बना रहा था विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब यहाँ पे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं अपने पास जिसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। दे हैव नॉट सिंथेसाइज फूड, और ये अपना खाना भी नहीं बना पाते खुद से, बना सकते जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना खाना कैसे बना पाएंगे। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गिव ड्राइव न्यूट्रिशन, तो फिर ये कैसे सर्वाइव करते हैं, मतलब कैसे जिंदा रहते हैं और ये कहाँ से अपना खाना को और अपने न्यूट्रिशन को कहाँ से लाते हैं, तो फिर यही देखते हैं। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड बाय द प्रोसेस बाय द प्लांट्स। तो इसी जैसे ह्यूमंस अपने खाने के लिए अदर प्लांट्स पर डिपेंड है, वैसे कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। द प्लांट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर अनदर प्लांट फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स, और इसी मोड को हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला गया है। मतलब हमने अभी देखा था हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर दोज मोड इन विच अ प्लांट इन विच आई ह्यूमन और एनिमल इज डिपेंड ऑन एनदर टू फॉर देयर फूड, अपने खाना को बनाने के लिए और खाने के लिए जब कोई एनिमल या इंसान दूसरे जानवर या दूसरे प्लांट पर निर्भर करे अपने खाने बनाने के लिए, तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, या वो प्लांट जो अपना खाना बनाने के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड करेगा तो वो एक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहा है। डू यू सी अ येल्लो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड स्टीम ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री, क्या आपने देखा है एक येल्लो वायर्ड ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग ट्री, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैक्टसा और अमरवेल, इसी प्लांट को अमरवेल और कैक्टस कैसकटा प्लांट बोलते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फ्रूम फ्रॉम द अदर विच इज क्लाइंबिंग, और ये अपना खाना दूसरे प्लांट से लेता है जिसके ऊपर ये क्लाइंब यानी कि जिसके ऊपर ये बिछा हुआ होता है, पूरा का पूरा प्लांट दूसरे प्लांट पर डिपेंड कर रहा है अपना खाना। ठीक है, द प्लांट ऑन विच क्लाइंब इट्स कॉल्ड होस्ट, और जिस प्लांट पर ये अपना खाना जिस पर ये डिपेंड कर रहा है, जिस पर ये क्लाइंब किया हुआ है, जिस पर ये जकड़ा हुआ है जिस प्लांट को, उसी को उस प्लांट को होस्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन, और ये उसी होस्ट के जो भी बनाया गया न्यूट्रिशन उसको डिप्राइव कर रहा है, उसी को एब्जर्व कर रहा है यानी कि उसी को खा रहा है। तो कैसकटा इज अ प्लांट द इज कॉल्ड द पैरासाइट, और ये दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पैरासाइट। आर वी एंड एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट, और हम लोग क्या एनिमल्स और हम लोग भी पैरासाइट्स हैं, इस बारे में आप लोग थिंक कीजिए और अपने टीचर से पूछिए। ठीक है, यस इसमें लिखा है, पर आप हम लोग भी दूसरे अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड हैं यानी कि हम लोग भी पैरासाइट हो सकते हैं। ठीक है, हैव यू सीन दैट और हियर प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने कभी सुना है या कभी देखा है कि प्लांट्स एनिमल्स को भी खा सकते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, और यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं और उनको डाइजेस्ट भी कर पाते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, क्या ये एकदम आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है? यस इट इज, क्योंकि कोई प्लांट कैसे एनिमल्स को खा सकता है, कैसे खा सकता है वो देखते हैं इस प्रोसेस में। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर्स, और ये प्लांट्स ग्रीन कलर के और या किसी और कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द फिगर 1.6, ये एक जो फिगर दे रखा है 1.6 फिगर, इसमें देखना है द पिक्चर प्लांट, इस प्लांट को पिक्चर प्लांट कहते हैं। पिक्चर प्लांट लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीव, इसने अपनी पत्तियों को एक जग लाइक स्ट्रक्चर दे रखा है। जग लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक जग की फॉर्म में अपनी पत्तियों को ढाल रखा है जिससे कि ये किसी इंसेक्ट को ट्रैप कर सके। ठीक है, तो द एपेक्स ऑफ द लीव फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन और क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर, यहाँ ऊपर एक पत्ती जो पत्ती ने अपने जग का फॉर्म ले रखा है, ऊपर एक लिड है जो कि ओपन और क्लोज हो सकती है, मतलब बंद भी हो सकती है और खुल भी सकती है। ठीक है, और इसको माउथ बोला गया, मतलब एक तरीके से
वो खोल भी सकता है और अपने आप को बंद भी कर सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड, और इसके अंदर जो प्लांट की जो लीव है, जो जग लाइक स्ट्रक्चर की लीव है, इसके अंदर क्या है, हेयर, हेयर्स हैं, हेयर प्रेजेंट है विच कैन इंसेक्ट लैंड ऑन द पिक्चर, तो जिस पर कि इंसेक्ट आएगा और अपने ट्रैप हो जाएगा यानी कि फंस जाएगा। द लिड क्लोजेस एंड ट्रैप्ड गेट द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटेलेज इंटू हेयर, तो क्या होगा जब उस पर आएगा कोई इंसेक्ट उस पर बैठेगा तो अंदर हेयर्स की मदद से अंदर की तरफ चला जाएगा और लिड हो जाएगा क्लोज, जिसकी जिसका मतलब हुआ कि जो इंसेक्ट अंदर गया वो ट्रैप हो ट्रैप्ड हो गया यानी कि फंस गया है, ठीक है। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, तो लिड क्लोज हो जाएंगे तो इंसेक्ट क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा यानी कि फंस जाएगा। दिस इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाई द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिशन ऑल और ऑब्जर्व, तो क्या होता है जो इंसेक्ट उसमें गया है डाइजेस्टिव जूस, फिर क्या करेगा जो प्लांट जो लीव होगी वो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करेगी, जिसकी मदद से जो इंसेक्ट उसमें फंसा है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और जो भी न्यूट्रिशन उसको एनी प्लांट को चाहिए होंगे वो सारे के सारे न्यूट्रिशन उसको मिल जाएंगे। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और जो भी प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं अपना खाना बनाने के लिए, मतलब न्यूट्रिशन के लिए, किसी दूसरे एनिमल को खाते हैं या किसी इंसेक्ट को खाते हैं, यही सारे के सारे एनिमल प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉइल विच दे ग्रो, क्या ये जरूर क्या ये पॉसिबल है कि ये अपनी ग्रो करने के लिए सॉइल की और अदर न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती होगी, तो आइए देखते हैं आगे। सैप्रोफ, ये क्या है, सैप्रोट्रॉप्स, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल, हमने देखे होंगे कि मशरूम की मतलब पैकेट्स में मशरूम देखे थे, जो सब्जी होती है मशरूम की वो हमने देखी है इन द मार्केट। यू हैव ऑल्सो सीन फ्लोरेंटी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन द मॉस सॉइल और रोटिंग बोर्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन होती है तो हम लोगों ने देखा है एक वाइट कलर की लेयर और उसको बोलते हैं हम लोग फफूंदी, एकदम रोटिंग बोर्ड बन जाता है, फफूंदी टाइप की बन जाती है, तो वो हम लोगों ने देखी है रेनी सीजन में हो जाता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन द फूड न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम देयर गेम, और हम लोग देखते हैं कि वो अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं और किस फॉर्म में प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसकी मदद से कि वो अपना फूड को कैसे ऑब्जर्व करते हैं वो दिखाया गया है, तो मैं इस एक्टिविटी को स्किप करता हूँ और सीधे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सीधे, हाँ यहाँ पर ये है हाउ न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। अब हम लोगों ने देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, जो मिट्टी में प्रेजेंट सॉइल में प्रेजेंट जो न्यूट्रिशन है उसको ले रहे हैं, मतलब ऑब्जर्व करे जा रहे हैं, अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपना अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं, मतलब अपने आप को बढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसा क्या मतलब कभी सॉइल में जो प्रेजेंट फर्टिलाइजर जो सॉइल में प्रेजेंट मिनरल्स हैं और विटामिन हैं क्या कभी ख़त्म नहीं होंगे, मतलब वो कहाँ से आते हैं न्यूट्रिशन, मतलब कहाँ से बढ़ते रहते हैं। तो हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, क्या आपने कभी फार्मर्स को मैन्यूर और फर्टिलाइजर स्प्रिंकल करते हुए देखा है प्लांट्स पे, और गार्डनर्स यूज देम टू लॉन इन द पॉट्स, डू यू नो दैट इज़ व्हाई इट इज़ डन, हम लोगों ने देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं या जो गार्डनर्स होते हैं वो क्या करते हैं जो फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर का इस्तेमाल करते हैं फॉर मतलब प्लांट्स को उपजाऊ बनाने के लिए, तो ऐसा क्यों करते हैं, तो यही देखते हैं। यू लर्न दैट प्लांट ऑब्जर्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, हम लोगों ने देखा था कि प्लांट अपना मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सॉइल से ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो द अमाउंट ऑफ सॉइल कीप डिक्लाइनिंग, मैंने भी बोला था जैसा, तो क्या होगा ऐसे ऐसे अगर वो न्यूट्रिशन लेते रहेंगे तो ऐसे क्या होगा, सॉइल डिक्लाइन होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर कंटेंट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एक्सेट्रा, तो क्या होता है फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, दीज न्यूट्रिशन नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल, और इन्हीं न्यूट्रिशंस को अगर ख़त्म ना हो पाए ऐसा करने के लिए फर्टिलाइजर्स में जो ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इनको टाइम टू टाइम एनरिच करने सॉइल को एनरिच करने के लिए एडेड किया जाता है, मतलब कि कहीं सॉइल में से ये न्यूट्रिएंट्स ख़त्म ना हो जाएं तो इसी को बरकरार रखने के लिए एक टाइम टू टाइम यानी कि समय समय पर फार्मर्स या जो गार्डनर्स होते हैं वो फर्टिलाइज़र और मैन्यूर का इस्तेमाल करते रहते हैं
और फर्टिलाइजर और मैन्यूर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि जो फर्टिलाइजर और मैन्यूर होते हैं इन्हीं में पोटेशियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो समझ में आ गई वो बात। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी फुलफिल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अगर हम अपने प्लांट को और अपने पौधों को एक हेल्दी जीवन दे सकते हैं बाई फुलफिलिंग द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बाई द प्लांट्स। अगर हम उनकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि न्यूट्रिशन उनका रिक्वायरमेंट में है तो अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते रहेंगे तो वो एक अच्छा प्लांट ग्रो कर पाएगा। यूजली क्रॉप्स प्लांट ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डिफिशेंट इन द नाइट्रोजन। जो क्रॉप होती हैं, जो फसलें होती हैं, फसलें जो हम लोग खाते हैं, जो मतलब खाना जो बनता है वो फसल से ही आता है, तो जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डिफिशेंट इन नाइट्रोजन। तो ये सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करती है, जो क्रॉप होती हैं वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करती है। यू लर्न दैट थ्रो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल प्लेंटी इन द एयर। हम लोग जानते हैं कि प्लेंटी अमाउंट में नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट है। प्लांट कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। बट जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट कैप्चर कर लेता है बट उसी प्रकार से नाइट्रोजन गैस को ये कैप्चर नहीं कर पाता है, मतलब उस तरीके से नहीं ये उसको यूज़ कर पाता है। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। प्लांट को जो नाइट्रोजन होता है वो सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बड़े आराम से ये ऑब्जर्व कर पा रहा है, उस तरीके से नाइट्रोजन गैस को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए एक सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है नाइट्रोजन। तो द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम, तो वो राइजोबियम क्या करता है जो एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन होता है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो भी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है सराउंडिंग में उसको एक यूजेबल फॉर्म, मतलब प्लांट के लिए एक जैसे जिसको प्लांट यूज़ कर सके इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट देयर ऑन फूड। बट लेकिन राइजोबियम खुद का खाना खुद से नहीं बना सकता है। सो इट इज़ ऑफन लिव इन द रूट ऑफ द ग्राम पीज एंड मूंग बीन्स एंड लेगम्स एंड प्रोवाइड देम विद द नाइट्रोजन। तो क्या होता है ये किस में रूट्स में पाया जाता है राइजोबियम जो है ना बैक्टीरिया वो रूट्स में पाया जाता है ऑफ ग्राम्स दाल मूंग की दाल और ये बीन्स में और इन्हीं साथ के साथ इन्हीं के रूट्स में मिलता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और इसके मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं ये राइजोबियम क्या कर रहा है अपने नाइट्रोजेंस को जो सराउंडिंग के नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, जिसके बदले में प्लांट क्या कर रहा है प्लांट उसको एक शेल्टर दे रहा है, मतलब रहने के लिए घर दे रहा है एक तरीके से कि रहो हमारी रूट में रहो। और क्या कर रहा है और फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब खुद के खाना भी उसको प्रोवाइड कर रहा है। दे दस हैव अ सिम्बॉलिकल रिलेशनशिप। तो उनके बीच में एक क्या है एक रिलेशनशिप है, मतलब वो उसका काम कर रहा है और वो उसका काम कर रहा है, एक दूसरे को काम को निखार रहे हैं। दैट इज वाई दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। द एसोसिएशन इज ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और ये एक अच्छी चीज़ है एक फार्मर्स के लिए, ठीक है, क्या मतलब उनको अब अलग से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट है रूट्स में जो कि प्लांट्स को एक नाइट्रोजियस फॉर्म को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रहा है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फॉर वेयर लिग्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन। तो क्या हो रहा है इससे क्या हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है उनकी राइजोबियम जो प्रेजेंट है रूट्स में तो इससे उनकी फार्मर्स की क्या हो रही है हेल्प हो रही है, जिसकी मदद से फार्मर्स को कम से कम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए कम से कम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, किसकी मदद से राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि रूट्स में प्रेजेंट है जो कि नाइट्रोजियस ऑक्सीजन नाइट्रोजियस को किस में कन्वर्ट कर रहा है यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स टू ग्रो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस जो दाल होती हैं आर ऑप्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनियस प्लांट्स। जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच गिव्स द फूड फॉर द एनिमल्स और द ह्यूमंस। लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच आर यूज फॉर द फूड फॉर द एनिमल्स और ह्यूमंस। इन दिस चैप्टर यू अब हम लोग चैप्टर के एंड पे आ गए हैं, तो बस यहाँ पर हमारा चैप्टर को एक लास्ट लाइन है जिसके मदद से हम लोगों ने क्या क्या सीखा वो सब कुछ बताया गया। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। हमने देखा कि सारे बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को शो करते हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट एंड सैप्रोफोटिक। कुछ ही प्लांट्स पैरासिटिक हैं और सैप्रोट्रॉपिक हैं।
दे ड्राइव द फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वो अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं। ऑल द कैटेगरीज आर हेटरोट्रॉपिक, और ये जो सेप्रोट्रॉपिक्स और पैरासिटिक है इन्हीं को हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, और इन्हीं को हेटरोट्रॉप्स भी बोलते हैं, सिंस दे डिपेंड ऑन द प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, क्योंकि ये अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट और एनिमल्स पर डिपेंड है। कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स, क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो पार्शियली हेटरोट्रॉप्स होते हैं? अभी हमने देखा हेटरोट्रॉप्स आर दोज प्लांट्स विच डिपेंड्स ऑन द अदर एनिमल्स और अदर प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स थे जो इंसेक्ट्स को खा रहे थे, तो जब वो इंसेक्ट्स को खा रहे हैं मतलब अपने खाना बनाने के लिए दूसरे एनिमल पर डिपेंड हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी पार्शली या फुल्ली हेटरोट्रॉप्स हैं, मतलब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब हेटरोट्रॉप ही हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए खाने की जरूरत पड़ती है। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमने देखा कि ग्रीन प्लांट्स अपने खाने को बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को यूज़ करते हैं, और दे आर ऑटोट्रॉप्स मतलब अपना खाना खुद से बनाते हैं। प्लांट्स लाइक कैस्केटा आर पेस्टिसाइड पैरासाइट, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, जो कैटकसा प्लांट है वो अपने खाने को लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड होता है, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये अपना खाना एक होस्ट प्लांट से लेता है, मतलब जिस पर ये डिपेंड कर रहा है उसको होस्ट प्लांट बोला गया है, ठीक है। प्लांट यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, तो हमने देखा कि प्लांट सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल्स और का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खाने के सिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को होने के लिए क्लोरोफिल वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट एंड आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो केमिकल मिलता है हमें वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमें जब एज अ प्रोडक्ट मिलता है किसका, फोटोसिंथेसिस का, जब प्रोसेस होने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो है कार्बोहाइड्रेट। सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व इन द बाई द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स, जो लीव्स होती हैं उनको सोलर एनर्जी या फोटो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वही एब्जॉर्ब करती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हमने देखा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है मतलब एज अ प्रोडक्ट बाहर निकल रही है, यानी कि रिलीज हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन रिलीज इन द फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल, और हम लोग जानते ही हैं कि ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जब बाहर निकल रही है वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को दे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैनी फंगाई ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकिंग मैटर, दे आर सेप्रोट्रॉप्स, और बहुत सारे अभी देखा जो एक्टिविटी थी 1.2 मैनी फंगाई, जो फंगाई हैं वो अपने खाने के प्राप्त करने के लिए और न्यूट्रिशन के लिए डेड और डिकिंग मैटर पर डिपेंड करते हैं, तो दे आर सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। ए फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, और कुछ ही प्लांट्स ऐसे हैं जो अदर एनिमल्स पर डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए, तो उनको हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो इस चैप्टर में बस यही था, बताया गया था न्यूट्रिशन का मतलब प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, और यही सब कुछ बताया गया था।